आगरा के गांव अभयपुरा में गोली चलने से दहशत का माहौल फैल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रणवीर सिंह अपने प्लॉट पर बैठा हुआ था व अन्य युवक ने आकर रणवीर से झगड़ा शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने मामला रफा दफा कर दिया, परंतु पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने एक बार फिर रात 12 बजे रणवीर के घर पर आकर कई फायरिंग की। फायरिंग करके गए थे। इसकी सूचना पुलिस को दी थी? भाई ने दी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे उन्होंने चेकिंग की होगी उधर उधर जा करके, फिर घर में आकर के पापा से गैतमी से बोल रहे, मम्मी से बोल रहे थे, ढक्का उक्की कर रहे थे पिताजी से, घर में घुस गए। दो फोन कर रहे थे पुलिस वाले, और घर में घुसने के बाद मतलब मिसबिहेवियर कर रहे, बच्चों को एक बार उठा गए। ऐसा था कि मेरे पिताजी प्लॉट पे बैठे हुए थे शाम के टाइम 5 बजे करीब, सेठी नाम का आके दारू पी के मेरे पिताजी से थाप थप्पड़ करके और तमंचे से बैंड दे गया था, और फिर आके हमने तहरीर दे दी एसओ साहब को। एसओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद तहरीर देने के बाद 12 बजे उसका उम्मीद आया दारू पी के, और 4-5 लोग और आए यहाँ से, फायरिंग करके गए मेरे द्वार पर।